नमस्कार साथियों, आज का जो विषय है वो राजनीतिक चर्चाओं को लेकर है, क्योंकि आज बड़ी चर्चाएं रही गर्मजोशी के साथ है। पार्टियों ने दिन शुरू किया लेकिन समय बीतते बीतते शाम हो गई। किसी भी पार्टी ने आज फिर कोई टिकटों की लिस्ट है वो जारी नहीं की और तमाम अटकलें लगाई जा रही हैं बीजेपी पार्टी की तरफ से भी और कांग्रेस पार्टी की तरफ से भी। कांग्रेस पार्टी की मैं थोड़ी आपको जानकारी दूं तो 6 विधायकों पर है वो अभी तलवार लटक रही है, 22 हैं वो पहली लिस्ट के लिए आगे जा चुके हैं। तो मेरे साथ संजय सर मौजूद हैं, उनसे मैं उनका अनुभव भी रहा है राजनीतिक, उनसे चर्चा करूंगा कि आज जो पूरा दिन ये गर्मजोशी चली है, जो राजनीतिक चर्चा है, आबो हवा है, वो किस तरफ जा रही है, कौन सी पार्टी है, किस तरह का ग्राफ तैयार करी, इनका अनुभव क्या कहता है। सर सबसे पहले नमस्कार। नमस्कार सर, सबसे पहले आज सुबह सुबह खबर आती कि राहुल गांधी है वो आम आदमी पार्टी को है कांग्रेस के साथ समझौता करना चाहते हैं, 10 सीट मांग रहे हैं, कोई 4 सीट बता रहा है, कोई 5 सीट बता रहा है, उसको लेकर आप क्या मानते हैं, क्या आम आदमी पार्टी ने अकेले चुनाव लड़ना चाहिए या फिर कांग्रेस के साथ लड़ना चाहिए? देखो भारती, जो हरियाणा कांग्रेस है वो नहीं चाह रही थी कि उनको पता है कि हरियाणा के अंदर एक प्रकार से कांग्रेस की लहर चल रही थी, तो वो नहीं चाह रहे थे क्योंकि बीच में पहले भी आया था कि अखिलेश यादव के साथ भी सीटों का कुछ ऐसा चला था, लेकिन हरियाणा कांग्रेस ने साफ मना कर दिया था कि हम सक्षम हैं अकेले चुनाव लड़ने में। लेकिन अब बात आती है, जिस प्रकार से राहुल गांधी बिल्कुल एक अपनी पकड़ मजबूत करते जा रहे हैं कांग्रेस में, अपने फैसलों को बिल्कुल अडिग हैं। अब राहुल गांधी ने जिस प्रकार से कहा है कि हमें वोटों को इधर उधर नहीं होने देना है, यानी कि इंडिया गठबंधन के जो साथी है उनके साथ मिलकर हमने चुनाव लड़ना है, तो आम आदमी पार्टी जो है लोकसभा में भी उनको एक टिकट दी गई थी कुरुक्षेत्रा से, तो राहुल गांधी का ये मत है कि हमारी जो वोटें हैं जो भाजपा के खिलाफ हैं वो इधर उधर ना जाएं, इससे अच्छा है कि कांग्रेस हरियाणा कांग्रेस का और आम आदमी पार्टी का आपस में समझौता हो जाए, जिससे कि कांग्रेस को भी लाभ होगा और आम आदमी पार्टी को भी लाभ होगा। और अब रही बात टिकटों की, तो देखिए 10 या 15 टिकटों का आ रहा था कि आम आदमी पार्टी जा रही है, लेकिन जहां तक हरियाणा की राजनीति की बात है, आम आदमी को भी पता है और कांग्रेस को भी पता है, तो जैसे अब चल रही है मीटिंगें चल रही हैं या चलेंगी इनकी, तो अगर समझौता आम आदमी पार्टी से होता है मेरे हिसाब से 4 या 5 सीटों पर बात इनकी बन जाएगी। तो दूसरा सवाल मेरा ये है कि देखिए, कल दीपक बाबरिया ने अपने एक को प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसने बताया कि हमने 22 विधायकों को वो अगली लिस्ट के लिए है वो फाइनल कर दिया पहली लिस्ट के अंदर, तो 6 बचते हैं, उनमें से आप गोहाना से हैं, सीनियर लीडर रहे हैं, काफ़ी उम्र दराज हैं, जगबीर मलिक जी हैं, दूसरा जिक्र करें हम बेरी विधानसभा से 6 बार के विधायक हैं, डॉक्टर रघुवीर कादयान हैं, वो भी उम्र दराज हैं, 83 साल की उनकी है जो आयु है। उसके बाद आता है सुरेंद्र पवार है, वो ईडी मामले में शायद अंदर है अभी तक। उसके बाद आता है महेंद्रगढ़ से रावदान सिंह जी हैं, और उसके बाद आते हैं सोनीपत वाला बता दिया, एक फिरोजपुर झरका से है मामून खान। तो ये 6 टिकटें हैं वो कांग्रेस ने रोकी हुई है, इनका मुख्य कारण क्या मानते हैं कांग्रेस, क्या आपकी नज़र में क्या है? देखिए, जब जो इस प्रकार से ईडी की कार्रवाई चल रही है और जिन विधायकों के नाम आपने लिए, इनमें से जो सुरेंद्र कुमार जी वो भी अभी जेल में ही है, तो कांग्रेस का जहां तक बड़ा नेतृत्व ये चाह रहा है कि ऐसे किसी व्यक्ति को टिकट ना दी जाए जो कहीं ना कहीं आरोपित है, यानी कि जिसका बीजेपी अपने मंचों से लाभ उठा सके। और रही बात डॉक्टर रघुवीर कादयान जी की और जगबीर मलिक जी की, तो ये तो सच है कि अब वो उम्रदराज हो चुके हैं, लेकिन अब कांग्रेस हाईकमान के ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि आज एक अखबार के अंदर कटिंग बड़ी प्रचलित हो रही है, सुबह से न्यूज चैनलों पे भी चल रही है, लोग उसको लेकर बिल्कुल अपने अपने अंदाजे भी लगा रहे हैं कि बाकी जिनके ऊपर ईडी की कार्रवाई चल रही है वो तो चल रही है, वो तो मान लिया, लेकिन अब जो 2 ये विधायक रहे हैं जगबीर मलिक और डॉक्टर कात्या, तो इनका जो उम्र का हवाला है, क्योंकि राहुल गांधी ने एक बार कहा था, स्पष्ट कहा था सम्मेलन में कहा था, बिल्कुल कहा था कि उम्र दराज जो नेता हैं उन्हें हम अब रेस्ट देंगे, तो उससे भी एक अंदाजा लग क्षेत्र के अंदर अब चर्चा चल पड़ी है कि शायद इस बार डॉक्टर रघुवीर सिंह कादयान जी की भी टिकट जो है वो कट सकती है। और देखिए, जो राहुल गांधी का सर्वे एक आधार बनाया गया था, लगातार सर्वे भी किए गए, अगर उम्र के कारण या किसी सर्वे के आधार पर अगर टिकट काट दी जाती है, तो किसी युवा को अगर कांग्रेस से मौका मिलता है बेरी विधानसभा में, चाहे देखिए उनके बाद तस्वीर अहलावत आते हैं जो काफ़ी युवा हैं, काम भी करते हैं, सहयोग में अहलावत हैं,
काफी ऐसे सीनियर लीडर हैं जिनके नाम है सर्वे के आधार पर बताए गए थे कि 2 या 3 नाम है वो दिए गए हैं, तो उनमें क्या नए युवा को मौका देना कांग्रेस के लिए बेनिफिट में रहेगा या क्या रहेगा, क्या मानते हैं? देखिए राजनीति हो या कोई भी फील्ड है, एक उम्र के बाद नया नेतृत्व तो आता ही आता है, चाहे वो कोई भी फील्ड है, खिलाड़ी हैं, पत्रकार हैं, व्यवसायी हैं, दुकानदार हैं, राजनेता हैं, तो देखिए एक सीमा है हमारे भगवान ने जो हमें शरीर दिया है इसकी एक लिमिट है सोचने की, समझने की, देखने की। तो इस प्रकार से अगर डॉक्टर रघुवीर सिंह कादियान, देखिए अब मान लो डॉक्टर रघुवीर सिंह कादियान की टिकट कटती है तो ऐसा तो नहीं है कि डॉक्टर साहब को बिल्कुल इग्नोर कर दिया जाएगा। मेरा तो जहां तक मानना है उनकी राय ली जाएगी, उनसे पूछा जाएगा कि अब आप बताइए दूसरा विकल्प क्या है, तो डॉक्टर साहब या तो अपना विकल्प बताएंगे। अगर राहुल गांधी अपनी बात पर अडिग रहते हैं, क्योंकि राहुल सुप्रीमो है, उनकी बात की काट ना तो हुड्डा साहब कर सकते हैं, ना भूपेंद्र सिंह हुड्डा कर सकते हैं, ना शैलजा कर सकती है, ना सुरजेवाला कर सकते हैं। राहुल का फैसला अंतिम फैसला जी होगा, क्योंकि जिस प्रकार से बीजेपी के अंदर है मोदी जी हैं और अमित शाह जी हैं, उनका अंतिम फैसला है। इसी प्रकार कांग्रेस में राहुल गांधी जो है आज के टाइम में बहुत सशक्त लीडर बनकर उभरे हैं। अगर राहुल गांधी बिल्कुल मन बना चुके हैं कि बुजुर्ग नेताओं को टिकट नहीं देनी है तो इसका मतलब नहीं देनी है। रही बात आप कह रहे हैं कि बेरी हल्के के, जो बेरी बेरी के नहीं, हर पूरे 90 विधानसभा सीटों पर दूसरे लहर के जो नेता हैं, युवा बच्चे हैं या नेता हैं, वो बिल्कुल तैयार बैठे हैं। आप वो कह रहे हैं कि हमें एक मौका तो दीजिए, तो मुझे तो लगता है अगर डॉक्टर साहब की किसी कारणवश टिकट कटती है तो जो सेकंड लेयर है, जो काफी लंबे अरसे से काम कर रहे हैं, संगठन के अंदर काम कर रहे हैं, कांग्रेस के हित के लिए काम कर रहे हैं, तो उनका भी नंबर आ सकता है और हो सकता है कि किसी अच्छे व्यक्ति को टिकट मिले जी। और लगातार चर्चाएं ये भी चल रही है कि भाजपा है वो वेट कर रही है कांग्रेस का, कि कांग्रेस किस तरह का स्टेप उठाती है, उसके बाद है वो अपनी टिकट डिक्लेयर करेंगे। जितना कांग्रेस लेट करती है इस टिकट को डिक्लेयर करने के लिए, वो नुकसान कितना मानते हैं कांग्रेस को? देखिए ये बातें तो दोनों पार्टियों के अंदर हो रही है, यानी कि मैं पहला ऐसा चुनाव देखने जा रहा हूँ जो इतना खिंचा हुआ चुनाव बनता जा रहा है। दोनों ही पार्टियों में बड़ा ही अस्त व्यस्त माहौल मुझे दिखाई दे रहा है। आज से कुछ समय पहले कांग्रेस एक तरफा हमें दिखाई दे रही थी हरियाणा के अंदर, उससे पहले बीजेपी का कोई विकल्प दिखाई नहीं दिया, लेकिन अब ये जैसे जैसे धीरे धीरे चुनाव का दिन नजदीक आता जा रहा है और मत जो टिकटों को बंटवारे को लेकर लेट हो रही हैं दोनों पार्टियां, इससे भी एक गलत संदेश जो है ना मतलब आम जनता के बीच में जा रहा है कि अच्छा इसका एक मतलब ये भी हो सकता है कि दोनों ही पार्टियां ये देख रही हैं, मान लो किसी का टिकट कटता है तो उस पार्टी को पता है कि ये आदमी विद्रोह भी करेगा, हमारा कितना नुकसान हो सकता है। तो एक तो बीजेपी और कांग्रेस के प्रत्याशियों का जो टिकट मांगने वाले हैं उनका लेट होने का मुख्य कारण भी यही है। अब आप बीजेपी का भी देख लीजिए, कांग्रेस के अलावा बीजेपी का देख लीजिए, हम पिछले एक सप्ताह से देख रहे हैं कि आज लिस्ट आएगी, लेकिन कोई ना कोई कारण बता दिया जाता है, लिस्ट को आगे कर दिया जाता है, यही कांग्रेस के अंदर हो रहा है। अब ये नहीं है कि कांग्रेस के अंदर बिल्कुल समूथली सब कुछ चल रहा है। अब मान लो डॉक्टर रघुवीर सिंह कादियान है, जगबीर मलिक है, ये देखिए हम लोग कुछ भी कहें अपने आप में एक पूरा देखिए काफी लंबा अरसा हो गया इन्हें राजनीति करते हुए। अगर इनकी टिकट कटती है तो कांग्रेस ये भी सोचेगी कि आगे क्या करेंगे। ऐसा कुछ नहीं होता, आपका लंबा अनुभव रहा, देखिए टिकटें वही रोकी गई हैं जहाँ पे स्थिति गंभीर थी, चाहे वो उम्रदराज होने के कारण हो या फिर ईडी के मामले हो। राहुल गांधी नहीं चाहते कि किसी तरह का इशू बने, कोई विरोध हो, इसलिए मेरा मानना ये कि इसलिए टिकटें रोकी गई हैं। आप क्या मानते हैं कि रोकने का मुख्य कारण क्या है? कल 2 सितंबर का जो दैनिक ट्रिब्यून है उन्होंने साफ साफ लिखा कि इस कारण से ये है टिकट है वो रोक दी गई है, आप क्या मानते हैं? देखिए ये तो पहले भी मैं कह रहा हूँ ना, पहले इस बारे में तो कोई चर्चा नहीं, ये तो पहले से ही चल रहा है कि राहुल गांधी की जो उन्होंने अधिवेशन में भाषण किया था, जो बात कही थी, उस पर कांग्रेस अमल करने जा रही है। तो अब ये देखना है ना कि अब डॉक्टर रघुवीर सिंह कादियान के लिए कौन आवाज उठाता है, कितनी आवाज उठाता है। अगर कोई आवाज नहीं उठाता है, अगर राहुल गांधी ने बिल्कुल ही कह दिया कि भाई मेरी तरफ से ये फाइनल है, उम्रदराज नेताओं को टिकट नहीं मिलेंगी, तो इसका मतलब नहीं है जी। और क्या रहा आज का दिन भर का जो आपका विश्लेषण है, क्या मानते हैं राजनीति किस तरफ जा रही है, आखिरी सवाल है? देखिए राजनीति तो मैंने आपको बताया है ना, जैसे जैसे चुनाव का समय नजदीक आ रहा है तो ये कहना बड़ा मुश्किल है, बड़ा कठिन है, क्योंकि जब तक उम्मीदवारों के नाम बिल्कुल अनाउंस नहीं होंगे तब तक कुछ भी कहना जो है ना बहुत जल्दबाजी होगी। हम भी वेट एंड वॉच
देख रहे हैं कि किस प्रकार से कौन कौन सी पार्टी पहले अनाउंस करती है, बीजेपी करती है, या अब जैसे बीजेपी का कह दिया कि एक दो दिन के बाद लिस्ट आएगी, कांग्रेस की अभी कोई संभावना ही नहीं दिखाई दे रही है, या अधिकृत रूप से कह रहा हूं मैं, ये तो कई बार पत्रकार भी अपनी तरफ से अंदाजा लगाते हैं कि भाई हम इसकी फाइनल है, इसकी फाइनल है, लेकिन मुझे नहीं लग रहा है कि जब तक उनके अधिकृत दोनों पार्टियों की नहीं आती है, लिस्ट नहीं आती है, तब तक कुछ भी कहना जल्दबाजी हो। शुक्रिया बातचीत के लिए, धन्यवाद। तो ये थे मेरे साथ संजय भाटिया सर, जो लगातार अपनी बात है वो आके रखते हैं, और आज का जो शेयर बाजार की तरह है चर्चाओं का जो समूह है चलता रहा, उसके बाद का आज शाम के समय हमने बुलेटिन जारी किया है, तो निकल के यही आया कि कांग्रेस जिस तरह से टिकट रोकी हुई है वो कहीं ना कहीं राहुल गांधी के एक कठोर नेतृत्व का भी है वो प्रदर्शित होने वाला है, और आगे की जो खबरें होंगी वो भी हम अब तक दिखाने की कोशिश करेंगे। शुक्रिया।